हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? थंबनेल में देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी ड्रेस डिज़ाइन करने जा रही हूँ। पाकिस्तानी ब्राइडल ड्रेस जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मैं इसको डबल गाउन बनाऊंगी। मतलब अंदर अलग से और ऊपर का अलग से। जो ऊपर का नेट फैब्रिक है वो स्लिट रहेगा सामने से। तो यहाँ पर मैं 5 मीटर फैब्रिक ली हूँ। नेट फैब्रिक सीक्वेंस वर्क का काम है इसमें, और सैटिन फैब्रिक जो है 5.5 मीटर है। तो मेरे पास पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो मैं इसको लाइनिंग की जगह पर यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड में बिछा ली हूँ। फिर शोल्डर का मार्क करेंगे तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे, और आर्म होल लेंगे 7.5 इंच, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो चेस्ट राउंड मेरा 36 है, तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आया। तो 9 इंच लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का लेंगे। फिर उसके बाद आर्म होल की शेप देंगे। टॉप लेंथ 14 इंच है, 2 इंच प्लस कर लेंगे, 16 इंच लेंगे इसमें। वेस्ट राउंड है जो मेरा 32 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आ गया। और 2.5 इंच मैं इसमें प्लस कर रही हूँ सिलाई मार्जिन, डॉट्स भी लगाएंगे इसमें इसलिए। फिर फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। नेक विथ मैं 3 इंच ले रही, तो 3 इंच पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद में मैं नेक लेंथ जो है 7 इंच ले रही हूँ, तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। फिर 3 इंच और निशान लगा देंगे विथ में, और स्क्वायर शेप बना लेंगे। फिर उसके बाद राउंड शेप बना लेंगे। 1/2 इंच शोल्डर को क्रॉस डाउन कर लेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 0.7 मतलब 1/4 इंच पे यहाँ पर मार्क करके ऐसा शेप दे देंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग हम पहले बैक आर्म होल की करेंगे और नेक को कटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे शोल्डर था उसको भी कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर ली हूँ, और उसके बाद जो मेन फैब्रिक है उसको उसके ऊपर रख लेंगे। नेक विथ मैं 3 इंच ली हूँ। बैक नेक की जो लेंथ है मैं 5 इंच रख रही हूँ। उसके बाद 3 इंच का विथ लेकर उसको स्क्वायर शेप बना लेंगे, और देन इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी साफिया अमेजिंग डिज़ाइन के नाम से है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको कोई ड्रेस डिज़ाइन करवानी है तो उसकी पिक्चर्स मुझे सेंड करिए और मैसेज करिए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। अगर इस वीडियो से आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करिए और क्लियर कर लीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो यहाँ पर जो है कटिंग हो गई है लाइनिंग की, तो अब हम इसको सीधा बिछा लेंगे सीधे साइड से दोनों तरफ को। मैंने यहाँ पर दोनों फैब्रिक को मतलब बिछा ली हूँ, राइट साइड है ये इसकी। और फिर इसके ऊपर लाइनिंग को बिछा देंगे हम, और नेक के ऊपर इसके स्टिच लगा देंगे और इसको भी लगा देंगे। यहाँ पर मैंने स्टिच जो है लगा ली हूँ। अब इसको स्मॉल कट लगा देंगे, सिलाई को कट नहीं करेंगे ना। अब इसको हम टर्न कर लेंगे और ऊपर से जो है प्रेस स्टिच लगा लेंगे, या बाकी साइड में भी हम इसकी स्टिच लगा लेंगे। इसको भी हम सेम ऐसे ही टर्न कर लेंगे, और इसके नेक पर भी एक प्रेस स्टिच लगाकर साइड में भी सिलाई लगा देंगे। तो मैंने जो है कपड़े के ऊपर प्रेस स्टिच लगा ली हूँ, और साइड में भी स्टिचिंग इसकी जो है लगा ली हूँ। अब जो है हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और जो इसका फ्रंट आर्म होल का है, तो जो 1/2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब 1/4 इंच का हम इसको डीप शेप बना के फिर इसकी आर्म होल को कट कर देंगे। फिर इसके बाद दोनों कपड़ों को बिछा लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे, और सेंटर से 4 इंच इस साइड पे और 4 इंच इस साइड पे लगा लेंगे निशान। उसके बाद जो इसकी लेंथ है टॉक्स की, उसको भी 4 इंच लेंगे, दोनों साइड 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम क्रॉस 1/2 इंच दोनों साइड से मार्क कर लेंगे, दोनों साइड। इस साइड भी हम सेम बैक पार्ट में भी सेम 4 इंच लगाएंगे सेंटर से, पर इसकी जो लेंथ है वो हम 5 इंच रखेंगे बैक पार्ट में सेम, और इसमें भी सेम 1/2 इंच का दोनों साइड से क्रॉस निशान लगा देंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे बराबर से पकड़ के इसका पॉइंट तक का स्टिच लगा देंगे इसको बराबर से। यहाँ पर जो है मैंने स्टिच लगा दी हूँ। अब इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे, शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे स्टिच लगा के। तो यहाँ पे जो है मेरी शोल्डर जॉइंट हो गई है, तो अब हम जो है स्लीव को कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़े को यहाँ पर बिछा के रख ली हूँ। उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। स्लीव लेंथ जो मेरी है 20 इंच है, तो उसमें मैं 1 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। उसके बाद जो है 2.5 इंच पे मार्क करेंगे शेप देने के लिए आर्म होल का। तो यहाँ पर मैं आर्म होल के लिए 7.5 इंच ले रही हूँ, और 2 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन, टोटल 9.5 इंच हो गया ये। अब इसकी जो आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। स्लीव्स विथ जो है मैं 5.5 इंच ले रही हूँ,
अब यहाँ से इसको निशान को आर्मोल तक मिला देंगे। उसके बाद हम फ्रंट आर्मोल का भी हाफ इंच अंदर साइड मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हम स्लीव्स को खोलकर ऐसे रख लेंगे। उसके बाद जो डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे दोनों स्लीव्स में। तो यहाँ पर जो है स्टिच मैंने लगा ली हूँ दोनों स्लीव्स में। अब हम इसको स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड सेंटर से। उसके बाद जो है इसकी साइड्स की फ़िटिंग की सिलाई भी लगा देंगे। साइड तो दोनों साइड की फ़िटिंग की सिलाई जो है मैंने लगा ली हूँ। अब हम इसको टर्न कर लेंगे और इसके नीचे के पार्ट को कट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 4.5 मीटर कपड़े को 4 लेयर में बिछा ली हूँ बराबर करके। 4 लेयर है ये और फैब्रिक विथ जो है इसकी 44 इंच है जैसा कि आप देख सकते हो। और इस साइड से ये 46 इंच है। 5 इंच और 5 पॉइंट मतलब 5.5 इंच का मैं निशान लगा के सर्कल राउंड में इसको शेप लगा ले रही हूँ। पहले मैंने ये इतना बनाई फिर इसमें वेस्ट राउंड अपना नापा तो मुझे ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो सिलाई का होता वो नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने बाद में वापस से इसको 6 इंच का सर्कल बना ली जो बाद में फैल गया था मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया था। तो आप 6 पॉइंट मत लेना, 5.5 इंच ही लेना अगर आपका सेम यही मेजरमेंट है तो। कभी भी हम सर्कल में जब कट करते हैं तो जब वो खुलता है तो वो अपने आप एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हम सिलाई मार्जिन नहीं लेंगे तो तभी भी हमारा परफेक्ट आ जाता है। तब यहाँ पे है जो मैं सिलाई मार्जिन 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगा रही हूँ जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पर हम जो अपने टॉप की लेंथ है वो यहाँ पर रखेंगे, 14 इंच है ऊपर, तो उसको मैं ऊपर के साइड बढ़ाकर रखूँगी। फिर यहाँ से अपनी लेंथ देखूँगी तो जो मुझे लेंथ चाहिए थी 53.5 इंच आ रहा है तो मैं इतना ही ले रही हूँ। अब जो है इंच टेप को नीचे रखेंगे और फिर यहाँ से देखेंगे निशान तक के कितना इंच आ रहा है। तो ये 40 इंच आ रहा था तो अब हम 40 इंच पे मार्क करके पूरा राउंड सर्कल में निशान लगाकर निशान को निशान से मिला देंगे। यहाँ पे मुझे 2 इंच का कपड़ा जो है वो कम पड़ा था तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का मैंने निशान लगा दी हूँ, अब इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तो यहाँ पे जो है मैं कपड़े को कट करके सीधा कर लूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा राउंड में है। अब जो है हम इसको सिलाई मार्जिन जो है कपड़े के नीचे बढ़ा कर रख देंगे और फिर ऊपर से लेंथ जो था हमारा 40 इंच पे निशान लगा लेंगे एक बराबर करके पूरा। उसके बाद हम इसकी जो है नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे ताकि हमारा छोटा ना हो। फिर जॉइन करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। इसको यहाँ से अलग कर लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे ताकि हम जॉइंट करें तो पता रहे कि हाँ ये साइड से जॉइंट होगा। अब इसको जो है स्टिच लगा देंगे हम, इसको ये साइड पकड़ के और इसको ये साइड पकड़ के। तो यहाँ पे जो है मैंने स्टिच लगा दी हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करके निकाल दी हूँ। जॉइंट करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है पर हमारे कपड़े में इतना ज़्यादा फ्लेयर आएगा कि वो इतना दिखेगा नहीं सामने। तो अब जो है हम इसके ऊपर रख कर इसको साइड से स्टिच लगा देंगे दोनों साइड से। तो दोनों साइड से मैंने स्टिच लगा दी हूँ। अब जो है हम इसमें कैन पट्टी लगाएंगे तो ये 1 इंच और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो इसको इसके ऊपर रखकर ऐसे नहीं लगाएंगे हम, थोड़ा सा साइड में कपड़े को बढ़ाकर रखेंगे और फिर लगाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे 1/2 इंच का कपड़ा जो है साइड में हम रख देंगे। उसके बाद में फिर जो किनारे पर एकदम सिलाई लगाएंगे, जस्ट एकदम किनारे पर, और ऐसा इतना थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ेंगे तो हमारे कपड़ों में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, मतलब बीच में प्लेट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर मैंने इसको लगा दी थी, फिर एक के ऊपर एक रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा दी हूँ। देन इसको अब हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड और फिर इसको सिलाई लगा देंगे ऊपर से। सेम इसी तरीके से लगाएंगे तो बीच में हमारी एक भी प्लेट नहीं आएगी जैसे मैंने यहाँ पे लगाई, देख सकते हो आप लोग इतनी क्लीनली सफाई से लग गई है ये।
कहीं भी प्लेट्स लगा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो अब जो है हम इस कपड़े को टर्न कर लेंगे और फिर इसको और इसको पकड़ के पूरा राउंड में हम स्टिच लगा देंगे, इसकी कमर से कमर जॉइंट कर देंगे। स्टिच लगाने के बाद हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसका जो मेन फैब्रिक है ऊपर का उसको कट करेंगे। तो उसको कट करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे, तो ये जो टोटल 5 मीटर का कपड़ा था तो इसमें से मैंने स्लीव्स का नाप लेके फिर इसको कपड़े को अलग कर ली हूँ। और इसके ऊपर तो जो हमारा टॉप पार्ट निकलेगा फ्रंट और बैक पार्ट के लिए मैंने वो भी नाप करके इसको अलग से कट कर ली हूँ। फिर बाकी का जो फैब्रिक है उसको यहाँ पे फोल्ड करके 4 लेयर में यहाँ पर बिछा ली हूँ। ये इसका लेंथ है, ये 4 लेयर फैब्रिक है। तो यहाँ पर जो है मैंने 4 लेयर फोल्ड करके फैब्रिक को बिछा ली हूँ। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 8 लेयर हो गई। फिर ये 8 लेयर हो गई है। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 16 लेयर हो गई है। बराबर अच्छे से कपड़े को एक के ऊपर एक बराबर से रखेंगे। पर जो है मैं इसको काउंट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को कि टोटल कितने लेयर इसकी जस्ट हुई है। आप लोग खुद भी काउंट कर सकते हो। तो टोटल ये 16 है। अब जो हमारा ऊपर का पार्ट था उसको हम 14 इंच ऊपर की साइड रखकर लेंथ लेंगे। तो हमारी लेंथ जो ऊपर का है वो 56 इंच है। तो हम 56 इंच पर सीधा मार्क कर लेंगे। सीधी लाइन बना लेने के बाद हम जो नीचे हमारे कली का बॉर्डर है वो नापेंगे तो 9.5 इंच आ रहा है। तो 9.5 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इंच टेप को फोल्ड करेंगे तो इसका सेंटर पार्ट निकल जाएगा। तो सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी वेस्ट राउंड है तो उसको नापेंगे। तो वेस्ट राउंड जो है हमारी 32 इंच है। तो इसमें मैं सिलाई मार्जिन भी एक्स्ट्रा, तो मेरा जो फिटिंग नाप था 32 इंच था वेस्ट राउंड, तो मैं उसमें 4 इंच प्लस करूँगी, मतलब 36 इंच लूँगी टोटल। तो अब जो है हम 36 इंच को 16 में डिवाइड करना है। तो हम 36 इंच को पकड़ेंगे इंच टेप को, फिर मेजर टेप को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी 8 लेयर हो गई है। अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारी टोटल 16 इंच जो है निकल कर आ गई है। तो अब इसको ऐसे दबा कर अच्छे से टाइट दबा देंगे और फिर जो फर्स्ट पार्ट है उसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ये हमारा 2 इंच और 2 पॉइंट आया है। तो ये हमारी कली की जो विड्थ है वो निकल गई है। तो अब इसमें हम जो है दोनों साइड से सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे 1/2 इंच। तो मैं 3.5 इंच टोटल ले रही हूँ। अब जो है इसको हमारा जो पौन है 2 इंच आया है उसको हम सेंटर पर रखेंगे और दोनों साइड से मार्क कर लेंगे 3.5 इंच। दोनों साइड से मार्किंग जो है हमारी हो गई है। अब हम नीचे से 21 इंच पे मार्क करेंगे, 21 इंच पर। अब यहाँ से हम क्रॉस में निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। हम जो है ये बंद कली वाला बना रहे हैं, पूरा नीचे तक नहीं कट करेंगे ताकि जो हमारा बॉर्डर है वो एक लेवल में दिखे इसके लिए। तो यहाँ पर जो है मैं निशान क्रॉस में लगा ली हूँ। अब जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। तो थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा था तो उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको मैं आप लोगों को खोल कर दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है ये। तो जो है यहाँ पर मैंने इसे खोल कर अच्छे से बिछा ली हूँ। ये सब 2-2 पार्ट है, एक के ऊपर एक है। अब यहाँ से ये जॉइंट है तो हम इसको फ्रंट और बैक पार्ट के लिए अलग अलग यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। अब जो है हम ऊपर से एक हटा देंगे और जो बीच में ये कट है जस्ट इसको या और इसको यहाँ से पकड़ेंगे और उल्टी साइड से ऊपर से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे नीचे तक। तो यहाँ पर हम सिलाई लाकर छोड़ेंगे नहीं, यहाँ नीचे तक लाकर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कली ज्वाइन करके बता रही हूँ कैसे ज्वाइन करेंगे इसको। तो कली को बराबर से पकड़ के रखेंगे और जो इसको पॉइंट है जो हमारा जहाँ से कट नहीं है तो सिलाई को जस्ट नीचे तक बॉर्डर तक लाकर हमें मिलाना है। तो हम मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ कि 9.5 इंच है। तो हम पहले ही जो है जहाँ पर हमको सिलाई लगाना है जस्ट इसके ऊपर निशान लगा लेंगे ताकि हम ऊपर से नीचे तक जब यहाँ पर सिलाई लगाए यहाँ जहाँ पर मेरी फिंगर है यहाँ पर हम पॉइंट निशान लगा लेंगे सब कली में। फिर जो है हमारी सिलाई एकदम परफेक्ट आएगी।
अब इसी तरीके से हम बाकी सबको भी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सब जॉइंट कर ली हूँ, यहाँ पर ही मैंने निशान लगा ली थी ताकि जो हमारी कली एक बराबर से बैठे। आप भी पहले ऐसे निशान लगा लेना फिर कली जॉइंट करना। तो जो ये है फ्रंट पार्ट है, तो मैंने दोनों साइड से फोर फोर कली को जॉइंट कर दी हूँ, ये साइड से और ये साइड से। अब बीच का जो पार्ट है उसको जॉइंट नहीं करी हूँ क्योंकि हमारा फ्रंट से कट रहेगा, तो इसको हम कट करके अलग करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको जॉइंट नहीं कर रही हूँ। तो उसको कट करने के लिए हम पहले कपड़े को अच्छे से एक के ऊपर एक रख कर बिछा लेंगे। अब इसको सेंटर से हम कट कर लेंगे। ये हमारा जो है कट हो गया है, पर यहाँ हम नीचे से इसको थोड़ा सा जो थोड़ा आड़ा दिख रहा है तो इसको थोड़ा कट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा क्रॉस में हो जाए और इस पर सिलाई अच्छे से लगे इसलिए। तो अब हम इसको खोल के अलग कर लेंगे और इसको सामने से हाफ हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट में। तो यहाँ पर जो है मैंने सिलाई लगा ली हूँ, सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो नीचे का पार्ट जो है हमारा रेडी हो गया है, अब ऊपर का जो टॉप है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े को फोर फोल्ड कर ले रही हूँ, ये टू और ये थ्री, फोर फोल्ड हो गया है ये। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और बैक पार्ट जो है हम पीछे ही लाइनिंग वाला रखेंगे। तो जो हमारे टॉप की लेंथ है 14 इंच है रेडी, तो यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 16 इंच पे मार्क करेंगे और सीधा लाइन बना लेंगे। शोल्डर जो है मैं 7 इंच ले रही हूँ और आर्म होल लेंगे 7.5 इंच पर, सीधा निशान लगा लेंगे, सीधा निशान लगा लेंगे और फिर आर्म होल की शेप बना देंगे। चेस्ट राउंड यहाँ पर मैं 9 इंच ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का, और वेस्ट राउंड जो है 8 इंच और फिर 1 इंच डॉट यानी टक्स लगाने के लिए, फिर बाकी जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। इसके बाद हम मार्किंग जो है निशान को मिला देंगे यहाँ से यहाँ। तो कटिंग जो है यहाँ पर हो गई है, अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग रख लेंगे। और जो हमारी फ्रंट पार्ट है तो उसमें फ्रंट आर्म होल को हाफ हाफ इंच अंदर के साइड करके मार्क कर लेंगे। और नेक विड्थ जो है मैं 3 इंच ले रही हूँ और नेक लेंथ है 6.5 इंच और 3 इंच विड्थ है। अब यहाँ पर स्क्वायर शेप बनाकर फिर इसमें राउंड शेप बना लेंगे। और जो बैक नेक है उसमें भी 3 इंच विड्थ में ले रही हूँ और लेंथ जो है वो भी 3 इंच है, इसमें भी हम राउंड शेप बना लेंगे। फिर जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी यहाँ पे कट कर ली हूँ, फिर इसको फोल्ड करके हम नेक के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे और बैक में भी ऐसे ही रखेंगे बैक नेक के ऊपर, फिर इसको भी स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर मैंने स्टिच लगा कर ले ली हूँ। अब जो है हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, सिलाई को कट नहीं करेंगे, फिर इसको टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगा देंगे। सेम बैक पार्ट के नेक पे भी हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रेस स्टिच लगा ली हूँ, आप देख सकते हो बैक में भी मैंने लगा ली हूँ। अब जो है हम इसके डॉट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने विड्थ भी 4 इंच ली थी और लेंथ भी 4 इंच ले रही हूँ, वीडियो में उसे डिलीट हो गई है। और दोनों साइड से हाफ हाफ इंच क्रॉस निशान लगा रही हूँ और ये नेट फैब्रिक है इसलिए दूसरे साइड निशान अपने आप आ जाएगा। और ये बैक पार्ट में मैंने 5 इंच लेंथ ली हूँ और दोनों साइड से हाफ हाफ इंच क्रॉस निशान लगा के अब जो है हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। इस वाले पार्ट में भी हम इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो दूसरी साइड निशान आ जाएगा। अब इसको भी हम स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के यहाँ पे हो गया है तो अब हम इसको एक के ऊपर एक रख लेंगे, इसको बराबर से रखेंगे और 1.25 इंच का यहाँ पर इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं है जो 1.25 इंच डायरेक्ट कट कर दे रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पर सीधा रख लेंगे, फिर उसके बाद बैक पार्ट को रखेंगे और दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो जो है शोल्डर जॉइंट हो गई है यहाँ पर, तब हम इसके स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए जो है मैंने कपड़े को अलग से ये निकाल ली थी, तो ये 20 इंच है। अब यहाँ से हम इसके बॉर्डर को अलग कर देंगे।
अब यहाँ से मैंने कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड कर ली हूँ। अब इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे, तो ये टोटल 4 फोल्ड हो गई है। अब इसके ऊपर हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो जो बॉर्डर हमारी है टोटल 9 इंच की है, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का लेकर जो बॉर्डर का लेंथ है 9 इंच को यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ से अपनी स्लीव्स लेंथ लेंगे। तो 20 इंच है, तो मैं 1 इंच और ले रही हूँ सिलाई मार्जिन का। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे शेप बनाने के लिए आर्म होल की। तो आर्म होल जो है हमारे 7.5 इंच थी, तो वैसे ही सेम निशान लेंगे और 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे। उसके बाद सीधा निशान लगा देंगे और यहाँ से जो है हम आर्म होल की शेप को बना लेंगे। और स्लीव्स विड्थ जो है मैं 7 इंच ले रही हूँ। उसके बाद निशान को यहाँ से यहाँ तक लाकर मिला देंगे और फिर इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे 1/2 इंच का। उसके बाद यहाँ पर हम कट का निशान लगा लेंगे ताकि स्लीव्स जॉइंट करने के टाइम हमें याद रहे कि फ्रंट पार्ट में कौन से साइड का लगेगा, और यहाँ से इसको कट करके अलग कर लेंगे। सो मैंने पहले ही यहाँ पे मार्क मतलब मेजरमेंट कर ली थी कि मतलब टोटल मुझे 16 कली वाला बनाना था, तो मैंने उस हिसाब से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा था मुझे, तो स्लीव्स के लिए 20 इंच ही मैंने निकाली थी अपने आर्म होल के हिसाब से कि जितने में मेरे स्लीव्स का आर्म होल निकल जाए बस, और फिर बॉर्डर जो है बॉर्डर का लुक भी आ जाए और ये अच्छा लगे। इसलिए मैंने साइड में प्लेन नेट का जो कली जैसा कट करके जॉइंट कर ली हूँ। आप जैसा देख सकते हो जो ये कली जो जॉइंट करी हूँ मैंने, वो सिलाई में चला जाएगा, इतना बुरा नहीं लगेगा। फिर यहाँ से जो है हम सेंटर से अपने स्लीव्स को दोनों साइड से जॉइंट कर लेंगे। तो जो स्लीव्स है वो जॉइंट हो गई है, आप देख सकते हो। सो सेंटर पे मैंने यहाँ पे कट लगा ली हूँ जहाँ से हम अपनी कली को जॉइंट करेंगे। तो जस्ट कली को मैंने नीचे बिछा कर रख ली हूँ और ये जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हम कली को अपने रखेंगे एक साइड से, और दूसरी कली को इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पिन लगा लेना अच्छे से ताकि एक जगह पर सेट हो जाए। उसके बाद इसको इसके ऊपर रख के स्टिच लगा देंगे। तो अब हम बैक पार्ट को भी यहाँ पर सीधा रख लेंगे और उसके ऊपर फिर जो नीचे का हमारा कली वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर रख के बराबर से सेट कर देंगे, और फिर इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे, सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने जॉइंट कर ली हूँ, आप देख सकते हो ये इसका स्लिट है जो बराबर सेंटर पर आया है। अभी जो कपड़ा हमारा ऊपर एक्स्ट्रा है उसको ऊपर के साइड रख के इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे, इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लेंगे। फिर हम साइड से जो है अपने फिटिंग का मार्किंग मतलब मार्क कर लेंगे दोनों साइड से, इस साइड से भी। तो जो है मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली हूँ 4 इंच विथ, मैंने 4 इंच रखी हूँ। यहाँ पर जो है मैंने सिलाई लगा दी हूँ दोनों साइड से फिटिंग की, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने दोनों साइड में सिलाई मार्जिन भी एक्स्ट्रा रखी हूँ ताकि अगर ये टाइट वेट होए बाद में तो मैं इसको लूज़ भी कर सकूँ। तो ये है हमारे गाउन का फाइनल लुक जैसा आप देख सकते हो, जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है और इसमें घेरा भी इतना अच्छा आया है। अगर आपको इसको और बाउंसी दिखाना है तो आप इसके नीचे कैनकन स्कर्ट पहन लीजिए, तो ये और अच्छा दिखने लगेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, और ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो जो है आगे भी शेयर कर सकूं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाती हूँ तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है ना, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना।